देखो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या पहले सुने थे? डिस्काउंट का, डिस्काउंट के बारे में पहले सुना था क्या? ये डिस्काउंट शब्द क्या पहले आपने कभी सुना है क्या? सुना है डिस्काउंट? सुना है? मैंने नहीं सुना। सुना है आपने? चलिए, क्या होता है डिस्काउंट जरा बताना। तो प्राइस को रिड्यूस करना। ओके, और छूट दिया जाता है। ठीक है, और तो बताओ, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, ओके, और तुम बताओ, वही होता है। ठीक है, चलो। यानी कि आप सबने कभी कभी डिस्काउंट, कभी ना कभी डिस्काउंट लिया है ना? डिस्काउंट लिया है? बताओ सबसे पहले तुम लोगों को, तुम्हारे तुमने सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कब लिया था? मतलब तुमने कभी डिस्काउंट मिला है क्या? कभी कुछ सामान खरीदे तो डिस्काउंट मिला क्या? मिलता है? मांगे थे या खुद से मिल गया था? खुद से सर। खुद से? बताओ तुम्हें ऑफर चलता है फिर? ओके, मिला क्या ना? कभी डिस्काउंट नहीं मिला? मिला कब? मिला बताओ, मैं याद नहीं रहता। तुम्हें बताओ। हाँ, मॉल में खुद से मिलता है और बाकी सब मार्केट में छीन छीन के लेना पड़ता है। नहीं, और कभी तो एकदम ऐसा अब हो गया, देखिए हम लोग भाग जाते हैं, अब आपको उसको डिस्काउंट समझते रहिए। आपने कभी डिस्काउंट लिया? कभी नहीं। लो, मिला कब? 50%। अरे बाप, 50% डिस्काउंट मिला। ठीक है, चलो। तो आपने यहाँ पे कहा कि सर मुझे डिस्काउंट मांगने पे मिला, ज़बरदस्ती। आपने बोला कि सर कभी कभी डिस्काउंट जो है बिना मांगे मिल गया, मैंने मांगा भी नहीं, है ना? तो जब बिना मांगे मिल गया वो कैसा डिस्काउंट है भाई, है ना? और मांगने से जो मिला वो कैसा डिस्काउंट है भाई? तो वो डिस्काउंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सा डिस्काउंट था जो बिना मांगे मिल गया, और वो कौन सा डिस्काउंट था जिसको हमने मांग कर लिया, है ना? तो सबसे पहले बात आती है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो ऐसा वर्ड है जिसको आपने कभी ना कभी पहले तो सुना ही होगा, है ना? ऐसा कोई नहीं है जिसने डिस्काउंट वर्ड नहीं सुना होगा, है ना? अगर आपको इसको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज़ डिस्काउंट, तो आप कैसे करोगे? सोचो कैसे करोगे डिस्काउंट को डिफाइन। अगर डिस्काउंट को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? सर, जो मार्क्ड प्राइस आता है उसमें सर कुछ परसेंट निकाल के कम कर दिया जाता है। जो प्राइस होता है उसमें कुछ कम कर दिया जाता है ना? ओके, और कोई बोलना चाहेंगे? चल देखो, अगर हमें डिस्काउंट को डिफाइन करना है तो बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, डिस्काउंट रिफर्स टू एन अमाउंट व्हिच इज डिडक्टेड फ्रॉम the list price of the commodity and treated as rebate। okay, क्या बोला जा रहा है?
तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज़ डिस्काउंट, डिस्काउंट है क्या, तो हम इसे एक शब्द में, एक लाइन में, एक सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं भाई? तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्काउंट रेफर्स टू एन अमाउंट. डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट रेफर्स टू एन अमाउंट विच इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी एंड ट्रीटेड एज इट रिबेट. यानी डिस्काउंट वो अमाउंट है जिसे हम किसी भी वस्तु के लिस्ट प्राइस में से घटा देते हैं. लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जो किसी भी वस्तु की छपी हुई मूल्य होती है, अंकित मूल्य जो होता है, मार्क्ड प्राइस जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस. जैसे ये है तो इस पर कुछ ना कुछ प्राइस छपी हुई है ना, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिस्ट प्राइस. तो कह रहा है कि डिस्काउंट वो अमाउंट है जिसे हम लिस्ट प्राइस में से घटा दिया जाता है, जिसको लिस्ट प्राइस से लेस किया जाता है और उसे छूट मान लिया जाता है. उसे कैसे माना जाता है, क्या ट्रीट किया जाता है? एक रिबेट मान लिया जाता है, छूट मान लिया जाता है कि अब इसे हम नहीं देना है. उसे हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट कहेंगे. उसे क्या कहेंगे? डिस्काउंट कहेंगे. बोलो, प्रॉब्लम क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? अगर डिस्काउंट का मतलब तो आपको समझ में आता ही है, डिस्काउंट आप जानते ही हो क्या होता है. लेकिन अगर आपको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज़ डिस्काउंट, देन इन शॉर्टली यू कैन से डैट डिस्काउंट रिफर्स टू एन अमाउंट. डिस्काउंट एक ऐसी रकम है, एक ऐसी राशि है, एक ऐसा अमाउंट है जिसे हम किसी वस्तु की छपी हुई मूल्य में से, अंकित मूल्य में से घटा देते हैं और उसे छूट मार लिया जाता है. उसे हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट कहेंगे. बोलो, प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है? अच्छा, अब कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. क्या बोल रहा है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. अकाउंटेंसी के अंदर में, अकाउंट्स के अंदर में डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के. अभी नोट नहीं कर रहा है, अभी बोला जाएगा तो हम नोट करना है, ठीक है? डिस्काउंट जो है अकाउंट्स के अंदर में कितने टाइप्स के हो गए? कितने टाइप्स के? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. डिस्काउंट कितने टाइप्स के हो गए? टू टाइप्स के हो गए. फर्स्ट क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों है, लेकिन सबसे पहले जानेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा जानेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट. क्या? कैश डिस्काउंट. कितने टाइप्स के हुए डिस्काउंट? टू टाइप्स के. फर्स्ट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट. दूसरा क्या है? कैश डिस्काउंट. अब हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे कि ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है और ये कैश डिस्काउंट क्या है. तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं. क्या कहता है ट्रेड डिस्काउंट? सो ट्रेड डिस्काउंट refers to those discount which are allowed by manufacturer होलसेलर बाय होलसेलर टू रिटेलर एंड बाय रिटेलर टू कंज्यूमर. ओके, और कस्टमर.
क्या बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? तो कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट मीन्स दोज डिस्काउंट विच आर अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, यानी वैसा डिस्काउंट जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को दिया जाता है। किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को दिया जाता है, एंड बाय होलसेलर टू रिटेलर, और होलसेलर के द्वारा किसको दिया जाता है? रिटेलर को दिया जाता है, एंड बाय रिटेलर टू कंज्यूमर, और रिटेलर के द्वारा किसको दिया जाता है? कंज्यूमर को। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैसा डिस्काउंट है जो रिटेलर मुझे जो मिल रहा है उसको अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, वो उसे होलसेलर ने दिया है, उसे होलसेलर ने दिया है इसलिए वो हमें दे रहा है, और होलसेलर जो है हमारे रिटेलर्स को इसलिए दे रहा है क्योंकि होलसेलर को मैन्युफैक्चरर ने दिया है। और मैन्युफैक्चरर क्यों दे रहा है? तो मैन्युफैक्चरर को कोई दिया है क्या? तो मैन्युफैक्चरर को नहीं दिया है कोई। अगर मैन्युफैक्चरर को 10% डिस्काउंट देना है तो 10% वो क्या करेगा? प्राइस बढ़ा के छाप देगा, है ना? तो यानी कहीं पे किसी का नुकसान है क्या? नहीं है ना, तो इसे क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। पहले इसको नोट करो, फिर इसके बारे में और बताते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? ट्रेड डिस्काउंट की, है ना? क्या है ट्रेड डिस्काउंट? तो कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट रेफर्स टू दोज डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मीन्स दोज डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, बाय होलसेलर टू रिटेलर, एंड बाय रिटेलर टू कंज्यूमर। मतलब ऐसा डिस्काउंट जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को दिया जाता है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, और होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा रिटेलर को दिया जाता है, और रिटेलर के द्वारा हम लोग को कस्टमर को दिया जाता है, वैसे डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। अभी तुमने बताया था ना कि सर डिस्काउंट मांगा नहीं थी, खुद दे दिया था, है ना? और कौन बोला था किसको बिना मांगे मिला डिस्काउंट, जरा बताना। बिना मांगे डिस्काउंट किसको मिला है? तुम्हें भी मिला, तुम्हें भी मिला था ना। हाँ, मॉल में बिना मांगे मिल जाता, और भी बहुत जगह किताब खरीदने जाइएगा, कितने का है? हाँ, डिस्काउंट बिना मांगे मिलता है क्या? मुझे तो नहीं मिला। चलो तुम्हीं को लेके चलेंगे, जहाँ भी बिना मांगे डिस्काउंट लेना होगा। तो डिस्काउंट जो है, कुछ डिस्काउंट बिना मांगे मिलता है। आप लोग जाओगे बुक लेने के लिए, कितने का बुक? तो 500 का है, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 450। कभी ड्रेस लेने के लिए जाइएगा, ये हो जाएगा, इस पर 30% डिस्काउंट है, ठीक है? बिना मांगे ये डिस्काउंट, ये इतने का है, इतना परसेंट डिस्काउंट, बिना मांगे। तो बिना मांगे क्यों डिस्काउंट दे रहा है भाई? ऑनलाइन में भी सर ऐसा ही लिखा रहता है, ऑनलाइन में भी ऐसा ही लिखा रहता है, है ना? क्यों बिना मांगे? क्यों, क्या बात हो गई भाई? बिना मांगे क्यों डिस्काउंट बांट रहा है? तो वो इसलिए क्योंकि वो जो डिस्काउंट आपको 10% दे रहा है, वो 10% डिस्काउंट उसको होलसेलर से मिला है, और होलसेलर रिटेलर को 10% इसलिए डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि वो डिस्काउंट उसने जहाँ से लाया है, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, डीलर, जो से भी लाया है मैन्युफैक्चरर, वहाँ से उसको मिला है। और मैन्युफैक्चरर क्यों दे रहा है? तो वो इसलिए कि जहाँ पे उसे 10% डिस्काउंट देना है, उसने 10% प्राइस बढ़ा दिया। ये कस्टमर क्या होगा? कस्टमर खुश हो गया कि मुझे तो डिस्काउंट मिल रहा है, अरे इस पर इतना परसेंट डिस्काउंट है, इस पर इतना परसेंट डिस्काउंट है। तो वैसा डिस्काउंट जो कि बिना मांगे मिल जाए, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, कि वैसा डिस्काउंट जो कि बिना मांगे मिल जाए वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन अगर आपको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट, तो आप ये कह सकते हो कि दोज डिस्काउंट विच इज़ अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, बाय होलसेलर टू रिटेलर, एंड बाय रिटेलर टू कंज्यूमर इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड। अब कह रहा है कि ये ट्रेड डिस्काउंट में किसी का कोई नुकसान है क्या? किसी का कोई लॉस है क्या ट्रेड डिस्काउंट में? नहीं ना, नहीं ना। हाँ,
तो किसी का कोई डिस्काउंट नहीं है, किसी का कोई लॉस नहीं है इसमें। तो जब लॉस एक्सपेंस है ही नहीं तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा, कौन से रूल्स अप्लाई करके लिखेंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इन द डेबिट साइड, क्योंकि डिस्काउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस और लॉसेज को डेबिट साइड में, इनकम्स और गेन को क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर हम दुकानदार हैं और हम किसी को ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो क्या मेरा लॉस या एक्सपेंस हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि ये डिस्काउंट तो मुझे भी किसी से मिला है, तो मेरा तो कोई लॉस हुआ नहीं यहाँ पे। इसीलिए आपको कंज्यूमर है तो आपको इनकम हो सकता है, लेकिन हम लोग अकाउंट्स किसका बना रहे हैं? कंज्यूमर का, बिजनेस का, है ना। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, इसको नोट लिख दो, नोट करके लिखो अच्छे से, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर इस ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट कैसे करें, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमें पता चल जाएगा। अगर मान लो कि 500 का कोई सामान खरीदा और 10% डिस्काउंट है, तो बताओ कि तुम्हारे कितने कम किए गए, तुम्हें कितना प्राइस कम किया गया, कितना डिस्काउंट हुआ? अगर 500 का कोई सामान है और 10% डिस्काउंट मिला तो कितना कम हुआ? 50 रुपया, है ना। इसका मतलब कि तुम्हें कितना देना पड़ा? 450। तो बिना कोई कैलकुलेशन के भी हम लोग आराम से अपने दिमाग से डिस्काउंट कैलकुलेट करके बता सकते हैं। लेकिन फिर भी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वर्किंग नोट्स में दिखाना पड़ेगा कि हमने ये अमाउंट कैसे निकाला। तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट बाय 100। ओके, क्या लिखेंगे? लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट बाय 100, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद जब हमें ट्रेड डिस्काउंट पता चल जाएगा, तब उसके बाद हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये दो फार्मूला यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सर इनवॉइस प्राइस क्या हुआ जो है? बताते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो, पहला क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। और उसके बाद जब टेस्ट किसी भी लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को हटा देंगे तो जो निकल के आएगा वो होगा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस का मतलब होता है बीजक मूल्य, ठीक है। यानी कि जो बिल होता है ना, जो बिल बनता है, वो बिल के ऊपर जो मूल्य लिखा जाता है, प्राइस लिखा जाता है, उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, ठीक है। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है ना, मिलता है ना। तो इनवॉइस पे जो प्राइस छपेगी, लिखाई लिखी जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। यानी कि जितने में वो वस्तु, जितने का आपका बिल बनेगा, वो क्या होगा, इनवॉइस प्राइस। क्लियर है? चलो, अब है एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये आपने नोट कर रखा है डेफिनेशन, कर लिया ना।
चलिए, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। ओके, हमने क्या किया, 10,000 का गुड्स बेचा फॉर कैश, नगद बेचा, एंड अलाउड 10% TD, यानी कि 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया। 10% क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब 10% जब ट्रेड डिस्काउंट दिया तो कैसे इसको बनाएंगे भाई, वेरी सिंपल। तो हमारा पास ये फॉर्मूला है, है ना। फर्स्ट फार्मूला क्या है, यानी कि फर्स्ट में यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, ट्रेड डिस्काउंट, जो शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग TD, लिस्ट प्राइस यानी कि LP इंटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट RTD, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। ये बताओ कि लिस्ट प्राइस कितना है, 10,000। कितना, 10,000। तो लिस्ट प्राइस की जगह पर हमने लिख दिया 10,000। रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। तो यहाँ पर 10/100 लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, कितना आया, 1,000। ये क्या निकला, हाँ ये क्या निकला, ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या निकला, ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया, लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट बाय 100। तो 10,000 में से 10% निकाल दिया तो ये क्या निकला, ट्रेड डिस्काउंट, यानी ये हमें डिस्काउंट मिला। अब है दूसरा, हम लोग निकालेंगे इनवॉइस प्राइस, यानी बिल कितने का बनेगा, कितने में वो सामान हमें मिलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, लिस्ट प्राइस यानी कि LP माइनस TD यानी ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 10,000 लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस कितना था, कितना था, 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 1,000। कितना हो गया, 9,000। क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है, तो जनरल एंट्री आप लोग को आता है करने के लिए, आपका छूट गया है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा लेकिन, ठीक है। अब इसका जो जनरल एंट्री है वो क्या होगा, तो कह रहा है क्या कि गुड्स हम लोग बेच रहे हैं ना, गुड्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो गया, एक तो गुड्स और दूसरा नगद बेच रहे हैं, नगद बेच रहे हैं तो कैश। ओके, गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। और कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। तो रियल अकाउंट दोनों है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो आता है उसे डेबिट में, जो जाता है उसे क्रेडिट में। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दोनों ही एसेट्स है, गुड्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम बेचेंगे तो गुड्स क्या होगा, घट जाएगा, और अगर पैसा मिलेगा तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारा एसेट्स है, और एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो कैश आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुड्स को गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, कितने में गुड्स हमने खरीदा, 9,000। कितने में खरीदा, सॉरी बेचा, कितने में, 9,000 में। तो यानी कि यह 9,000 हमने दिखा दिया। डिस्काउंट दिखाएंगे, डिस्काउंट दिखाना है, नहीं दिखाना है ना, क्यों नहीं दिखाना है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब नरेशन लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे बीइंग सोल्ड
goods for cash and allowed 10% TD. ओके, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे, नरेशन में दिखाएंगे. बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? इसको पहले नोट करो. चलिए अब इसके बाद जो अगला डिस्काउंट है वो कौन सा है, क्या बताया था हमने? ये तो हो गया. दूसरा है हमारा कैश डिस्काउंट. क्या है? कैश डिस्काउंट. क्या कह रहा है कैश डिस्काउंट के बारे में भाई? ये क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कैश डिस्काउंट मीन्स दोज डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय सेलर टू बाय. ओके, क्या बोल रहा है? दोज डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय सेलर टू बाय, यानी वैसा डिस्काउंट जो कि सेलर यानी बेचने वाला खरीदने वाले को देता है. क्यों भाई, क्यों देता है? तो फॉर द पेमेंट ऑन ड्यू डेट. क्यों देता है? समय पर पेमेंट करने के कारण, टाइम से पेमेंट करने के कारण डिस्काउंट दिया जाता है. ठीक है, और क्यों दिया जाता है? टू मेंटेन देयर कस्टमर फॉर ए लॉन्ग टाइम. ठीक है, और अपने कस्टमर को लंबे समय तक बिजनेस में बनाने के लिए, अगर आप थोड़ा सा कम कीजिएगा, थोड़ा डिस्काउंट दीजिएगा, तभी ना कस्टमर आपके पास आएंगे. अरे भाई वो कस्टमर, वो दुकानदार थोड़ा कम कर देता है हमें, है ना? तो आप कम करोगे, थोड़ा डिस्काउंट दोगे, तो आपके पास कस्टमर बार बार आएंगे. तो अपने कस्टमर को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, ठीक है, खुश रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट देते हैं. ठीक है, अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजैक्शन, यानी सिर्फ नगद कैश ट्रांजैक्शंस पे ही, नगद पे ही, कैश मिलने पे ही, कैश रिसीव होने पे ही ये डिस्काउंट दिया जाता है. कैश डिस्काउंट क्या होता है? सिर्फ कैश रिसीव होने पे, कैश ट्रांजैक्शंस होने पे ही दिया जाता है, उधार पे नहीं, क्रेडिट पे नहीं. बट ट्रेड डिस्काउंट कैन बी अलाउड कैश और क्रेडिट ऑल्सो. ठीक है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, वो चाहे नगद हो या उधार हो, सब पर दिया जाता है. क्या होता है? चाहे नगद हो या फिर उधार हो, सारे पे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा. लेकिन कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे ही मिलेगा, सिर्फ नगद पे ही मिलता है, उधार पे नहीं. उसके बाद और हमने क्या बताया था, ट्रेड डिस्काउंट जो है इज नॉट शोन
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट मस्ट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन कैश डिस्काउंट जरूर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट भले ही हम लोग नहीं दिखाएं, लेकिन कैश डिस्काउंट दिखाना जरूरी है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। बोलो, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? दिक्कत है, प्रॉब्लम है क्या? ढूंढो, सोचो, कोई डाउट? कौन सा? मैंने ये बोला कि कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे या फिर कैश रिसीव करने ही पे मिलेगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कैन बी अलाउड ऑन कैश और क्रेडिट ऑल्सो। यानी कि कैश डिस्काउंट जो है ना, वो दोनों पे अलाउ हो सकता है, कैश पे भी हो सकता है और क्रेडिट पे भी, यानी कि नगद पे भी हो सकता है और उधार पे भी हो सकता है। अलाउड ऑन कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोथ, ठीक है, यानी दोनों पे होगा, चाहे नगद हो या उधार हो, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बोलो बोलो, है प्रॉब्लम? हाँ, कैश डिस्काउंट में लॉस होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो डिस्काउंट होता है जो कि आपको दिया गया है आपको किसी और को देने के लिए, तो आपका इसमें एक लॉस नहीं है। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है वो अपने प्रॉफिट से कम करके दिया जाता है। जैसे अगर कोई सामान बेच के आपको 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 20 रुपया डिस्काउंट छोड़ दोगे तो आपको सिर्फ 80 रुपया ही प्रॉफिट होगा, 20 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। सर, हमेशा लॉस होगा इसमें? हाँ, डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो हमेशा लॉस ही होगा, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट है। हाँ, ठीक है। और बोलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पर बेस्ड फार्मूला बनाते हैं और कोई एग्जांपल बताते हैं। चलो, अभी ये तो हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैश डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? सो कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट बाय 100, ठीक है। क्या हुआ कैश डिस्काउंट का? कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट बाय 100, ठीक है। कैश डिस्काउंट अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट बाय 100। अब ये बताओ कि इनवॉइस प्राइस कैसे पता चलता है? जब लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो इनवॉइस प्राइस पता चलता है ना। तो हम इसके जगह पे ये फॉर्मूला भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इनटू
रेट ऑफ कैश डिस्काउंट बाई 100। बोलिए क्या इसकी जगह पर ये फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अगर इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट बाई 100 है तो उसकी जगह पर ये भी तो हो सकता है लिस्ट प्राइस माइनस रेट डिस्काउंट इनटू लिस्ट प्राइस माइनस रेट डिस्काउंट इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट बाई 100। ये हो सकता है ना, निकल जाएगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। दूसरा, अब मान लो कि किसी भी प्राइस में से लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट भी लेस हो जाए और कैश डिस्काउंट भी लेस हो जाए, दोनों लेस हो जाए, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी, तब जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? क्या निकल के आएगा? सेलिंग प्राइस। तो इसको लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट ये लिख सकते हैं, या फिर इसके जगह पे एक और यूज हो सकता है। इनवॉइस प्राइस को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ये लिख सकते हैं क्या, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट ये लिख सकते हैं, माइनस कैश डिस्काउंट। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बोलो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या? चलिए तो अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेके आ, जैसे अगर सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000 अलाउड 10% TD एंड 5% CD, ठीक है। क्या बोला गया कि हमने 10,000 का गुड्स बेचा जिसमें 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% कैश डिस्काउंट दिया। तो कैसे करेंगे? तो पहले हमें क्या करना होगा, एक वर्किंग नोट तैयार करना होगा। ओके, वर्किंग नोट के लिए देखो फॉर्मूला हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर में ट्रेड डिस्काउंट भी रहे और कैश डिस्काउंट भी रहे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट को निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट बाय 100। ये था ना, था ना। ये बताओ कि लिस्ट प्राइस कितना है क्वेश्चन में? 10,000 और रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। इसका मतलब क्या आया? 1000 क्या आया? 1000 आ गया ना, आया ना। अब जब ट्रेड डिस्काउंट निकल गया उसके बाद क्या था फॉर्मूला? इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या था? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस कितना था? 10,000। इनवॉइस प्राइस कितना है? सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट 1000। कितना आया? 9,000। बोलो प्रॉब्लम नंदनी। वो माइनस
अभी सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट निकाले हैं, दोनों डिस्काउंट इसमें दिया हुआ ना है। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट दिया रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था, लिस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 इंटू 10/100 करके हमने निकाल दिया 1,000। फिर हमारा क्या निकल के आया, अगर किसी प्राइस में से किसी भी लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल के आता है, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, सो ट्रेड लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिए तो क्या आया, 9,000 आया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, अब हम लोग निकालेंगे कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, या तो इनवॉइस प्राइस इनटू आरसीडी यानी रेट ऑफ ट्रेड कैश डिस्काउंट बाय 100, या फिर इसके जगह पर लिस्ट प्राइस माइनस टीडी इनटू आरसीडी बाय 100, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज़ किया सकता है ना। तो ज़रा सा ये देखो कि यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इनवॉइस प्राइस हमारा कितना निकल के आया है, 9,000। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे 9,000 लिख सकते हैं ना। और अगर इस फॉर्मूला के साथ चलते हैं तो इस फॉर्मूला में क्या बोल रहा है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो उसके लिए लिस्ट प्राइस ट्रेड हमारा 10,000 माइनस 1,000 इंटू 10/100 करना पड़ता है, 5 है, चलो 5 करना पड़ता। तो बात तो बराबर हो गई ना, बात बराबर हो गई ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उससे अच्छा है कि डायरेक्ट ही इनवॉइस प्राइस 9,000 ले लेंगे, ठीक है, बाई 100 कितना आ गया, 450। बोलो क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो अब जब हम लोग किसी भी प्राइस में से इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट भी निकाल दिए तब जो निकल के आता है वो क्या आता है, सेलिंग प्राइस। ये वाला सेलिंग प्राइस कितना है, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको तो लेंगे क्या करा है, सेलिंग प्राइस में लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो हम लोग सीधे कर देते हैं, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस कितना हो गया है, 9,000 और कितना आया, यानी कितना हुआ, 8,550। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है, सेलिंग प्राइस था ना, सेलिंग प्राइस में इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट कर दिए, 9,000 माइनस 450 इक्वल टू 8,550। बोलो इसमें एक प्रॉब्लम है इस कैलकुलेशन में, नहीं ना। अब जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, पहला तो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, और कैश हमारे पास आ रहा है और डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो दो तरीके के डिस्काउंट दे रहे हैं, एक हम लोग ट्रेड डिस्काउंट जिसको हम लोग को रिकॉर्ड करना नहीं है, और दूसरा कैश डिस्काउंट जिसको रिकॉर्ड करना है। तो गुड्स हम बेचेंगे तो पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है, कैश कितना आ रहा है हमारे पास, यस 8,550 रुपीज़ आ रहा है हमारे पास, 8,550। और गुड्स कितने के जा रहे हैं, बोलिए कितने के जा रहे हैं, गुड्स हमारे पास कितने के जा रहे हैं, कितने के, 9,000, 10,000 नहीं, क्योंकि वो लिस्ट प्राइस है, हम लोग इसको मान के चलेंगे, लिस्ट प्राइस नहीं इनवॉइस प्राइस को हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है, हाँ। तो यानी गुड्स हमारे पास कितने का जा रहा है, 9,000 का, तो गुड्स को गुड्स लिखते नहीं हैं, क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट, तो कितना आ गया, 9,000। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है,
अगर हम लोग दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको डेबिट में लिखेंगे ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या फिर लिख सकते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, दोनों में से कुछ भी लिख लो। और कितना डिस्काउंट दिए, 450। अब दोनों देखो, ये दोनों जोड़ के इक्वल आया कि नहीं आया, आया आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश अलाउड 10% TD एंड 5% CD। बोलिए इसमें प्रॉब्लम है, जनरल में, जनरल में प्रॉब्लम है, है डेबिट को सर एक ही, दोनों एक ही जगह लिखनी, दोनों को मतलब किसको, डेबिट जो है जो सर, हाँ डिस्काउंट वाला भी और कैश वाला भी, हाँ सर उससे ऊपर लिखेंगे, हाँ डेबिट दोनों को एक साथ लिखेंगे और क्रेडिट वाले को एक साथ लिखेंगे, क्रेडिट से ऊपर लिखना है डेबिट को हमें, हाँ जितना भी रहे, हाँ सर जनरल में वो लिखेंगे डिस्काउंट अगर दिए तो आप लिखना होगा, हाँ आप चाहो तो सिर्फ डिस्काउंट भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो, ठीक है। और जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आप डिस्काउंट रिसीव्ड लिखना, ठीक है। ओके क्या, हाँ अगर आप रिटेलर हो और होलसेलर से सामान खरीद के लाते हो बेचने के लिए तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है ना, नहीं अगर खुद से दिया तब ना, अगर कैश डिस्काउंट दे दिया तो तब लिखना होगा ना, लिखना होगा ना, नोट कीजिए।